तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच गए हैं हम एमपी वाला शाजापुर। और भाई मैं रात को सो रखा था, बस अभी अभी जस्ट उठा। अजय भाई को अब नींद आ रही है, बोले विक्की भैया उठो, और मैं सो रहा हूँ और आप गाड़ी चल रही है। तो भाई उठा हूँ अभी जस्ट, शाजापुर अभी अभी क्रॉस कर लिया हमने, बस अब आगे इंदौर देवास आने वाला है। यहाँ से इंदौर करीबन 120-130 किलोमीटर बचा है, और करते हैं पहले अपनी गाड़ी के टायर टप्पे चेक, उसके बाद में अजय भाई मैं चलाऊंगा गाड़ी और फिर निकलते हैं भाई। तो ये रही गाड़ी, और वीडियो भी कोई लिया नहीं यार, रात में मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि हमने खाना खाया था भाई, तो खाना खाया वहाँ का भी मैंने व्लॉग शूट नहीं किया, और रास्ते का भी नहीं किया क्योंकि भाई नींद आ रही थी तो मैं सो गया था, क्योंकि कल रात भर गाड़ी चलाई थी ना यार भाई मैंने, इसीलिए। तो करते हैं टायर वगैरह चेक कर लेते पहले, फिर निकलते भाई, इसलिए भी देख ले। तो कर लेते भाई टायर वगैरह चेक, उसके बाद निकलते भाई। तो भाई पहुंचे हैं अभी देवास, और अभी देवास बाईपास ही पे चल रहे थे, और ये बाईपास वाला टोल, और भाई इस साइड में चोरी चकारी ज्यादा होती है, जो है कि एमपी वाला शाजापुर है वहां से लेकर मक्सी देवास तक हमेशा भाई चोरी होती है। तो माल कुछ भी अपनी गाड़ी में माल उतार लेते भाई चलती गाड़ी में, इसीलिए अब गाड़ी तो खूब खींच के लाना पड़ा, और यहाँ अपनी गाड़ी करेंगे भाई ऊपर चढ़ के चेक, पूरा माल देख लेते अच्छे से, तो साइड से भी और पीछे से भी देखते हैं माल भाई कि कहीं रास्ता तिरपाल किसी ने काटा तो नहीं। तो काफी खींच के भगा के गाड़ी लाया हूँ यार, चढ़ जाते हैं चोर। अभी बीच में एक कश्मीर वाले भाई की गाड़ी थी, तो उसकी गाड़ी में भी एप्पल भरा था, एक डेढ़ महीने पहले की बातें हैं, तो उसकी गाड़ी में से एप्पल की पेटी उतार ली थी भाई। तो ऊपर चढ़ के देखते हैं, और ठीक है भाई ऊपर भी कोई टेंशन नहीं, तिरपाल कोई टेंशन नहीं, कोई कटे नहीं, सेफ है अपना माल। और यहाँ पे हमने थोड़ी सी तिरपाल नीचे फटी हुई थी, तो इसीलिए ये वाली तिरपाल ऊपर डाल दी थी हमने, एक जरा सा इतना सा टुकड़ा फटा हुआ है, तो क्योंकि भाई उधर कश्मीर में बारिश हो रही थी, आपने पिछले ब्लॉक में देखा ही होगा 2-3 ब्लॉक पहले। तो ये रहा भाई, कोई टेंशन नहीं, बढ़िया अपना माल। तो चलो निकलते हैं, रखते अपना सफर को कंटिन्यू भाई। इंदौर बाईपास पे पहुंचे हैं, और थोड़ी बहुत आलसी आ रही थी भाई, तो लगाई अपनी गाड़ी यहाँ साइड में हाईवे पे, और पी रहे थे कुल्लड़ वाली चाय, देख सकते हो ये रही। तो पीते हैं भाई चाय, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई, हो चुकी सुबह और पहुंच चुके हम मानपुर। तो अपनी गाड़ी में डीजल कम है भाई, डीजल मापते हैं पहले, उसके बाद चाय नाश्ता करेंगे भाई। तो रुके हैं यहाँ पे चाय नाश्ता करने के लिए। तो ये रहा मेन हाईवे भाई, नेशनल 3 नंबर हाईवे, इधर इंदौर और इधर बम्बई जाता है। तो डीजल नापते हैं सबसे पहले, क्योंकि भाई डीजल अभी एंडिंग पे है, और मेरे पास सिलक भी खत्म हो गए भाई, क्योंकि जो पैसे थे भाई आने में सारे पैसे खत्म हो गए। अब देखते हैं कितना डीजल है भाई, पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी खरगोन, नहीं तो फिर किसी से 1000-2000 मांगना पड़ जाए। तो देख सकते हो भाई कितना डीजल है गाड़ी में, कम से कम बताता हूं मैं आपको उंगली लगा करके, ये इतना डीजल है भाई, 4 इंची पहुंच जाएगी भाई। फाइनली
फाइनली दोस्तों हो चुकी अपनी चाय वाय भाई और निकल आए थे भगवान करना अपनी गाड़ी खाली, जो कि पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा होगा कि अपनी गाड़ी में एप्पल लोड है, जम्मू कश्मीर से भर के आए हैं सेब फल खरगोन के लिए। तो अभी फिलहाल में भाई मानपुर घाट उतर रहे हैं अपने वही 10-15 की स्पीड में। तो आराम आराम से उतर रहे भाई मानपुर घाट, क्योंकि डाउन है ना भाई, इसीलिए आराम से उतरना चाहिए बड़े गियरों में। आज ट्रैफिक बहुत ज्यादा लग रहा है यार उस साइड में, ट्रैफिक अभी कच्चा माल सारा चालू हो गया ना भाई, सीजन हो गया चालू सीजन, इसीलिए ट्रैफिक बढ़ गया रोड के ऊपर। देख सकते हो कितनी गाड़ियां भाई। चलो अच्छा है भाई, कम से कम मोटरें चले, धंधे पानी सबके चलते रहे यार, क्योंकि धंधे ऐसे भी बहुत ही ज्यादा खराब हो रखे, भाड़े थोड़े कम है, माल मिल नहीं रहा कई जगह, तो मालिक सबकी रोजी रोटी में बरकत दे और सबकी गाड़ियां चले। देख सकते भाई मानपुर घाट का व्यू, देखो भाई आहिस्ता आहिस्ता उतार रहे अपने ट्रक वाले भाई लोग, तो ऐसी गाड़ी उतारना चाहिए बिल्कुल आराम से। ये सामने वाला जो आगे गाड़ी चल रही भाई, कितने प्यार से और आराम से उतार रहा गाड़ी। ऐसे ड्राइवर को सलाम है भाई सलाम, जो आराम से चलते हैं और आराम से डाउन उतरते हैं उन्हें। तो फाइनली दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं खलघाट और इस नेशनल 3 नंबर हाईवे को बाय बाय करने का टाइम आ गया, क्योंकि भाई यहां से टर्मिनल लेंगे लेफ्ट में और अपना खरगोन 50 किलोमीटर बचा है यहां से। तो ये रहा भाई बोर्ड लगा हुआ, देख सकते हो खरगोन 50 किलोमीटर और मुंबई सीधा। तो लेंगे भाई यहां से टर्न और चलेंगे सीधा कसरावत बालसमत होकर के खरगोन, और जितने भी जम्मू कश्मीर की गाड़ियां होती है जो केला भर के सावदा से आती है इसी रूट से आती भाई, और एक कश्मीरी गाड़ी आगे जा भी रही भाई एप्पल भर के। तो ये उधर महाराष्ट्र साइड में नागपुर अमरावती अकोला इस साइड जा रही होगी, ये रही भाई कश्मीरी गाड़ी एक एप्पल भरी हुई। तो भाई रुके है बालसमंद में और डीजल डलवा रहे भाई अपनी गाड़ी में, 3 इंच करीब डीजल है अपनी गाड़ी में, पर फिर भी भाई डलवा लेते हैं क्योंकि घाट घुट पड़ेगा तो भाई एयर ना ले ले अपनी गाड़ी, इसीलिए 1000 रुपए का डीजल अभी डलवा रहे हैं। तो हो चुका है 1000 का डीजल, देख सकते हो ये 1000 रुपए मैंने पाल्टी वाले से डलवाया भाई, मेरे पास भी पैसे खत्म हो गए, जेब में पूरे खत्म, अब भाड़ा मिलेगा वहाँ गाड़ी खाली करेंगे अपना तभी भाई वापस हरियाली आएगी जेब में। तो चलो निकलते हैं। कभी कभी भाई ऐसी हालत हो जाती है कि जेब में 10 रुपए भी नहीं होते हैं, ऐसी गरीबी आ जाती है और आज भी भाई वही अभी कितने पड़े हैं पैसे, बस 200-300 रुपए पड़े हुए हैं बस ओनली, और डीजल डालने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। तो अभी 1000 रुपए मैंने पार्टी वाले को फोन लगाया कि भाई 1000 रुपए डालिए यार, मैं 50 किलोमीटर पहले हूँ तो डीजल डाल के आना पड़ेगा, कम पड़ गए पैसे मेरे पास। तो 25 लाख की मोटर लेके भाई देख सकते हो ड्राइवर के पास पैसे नहीं रहते कभी कभी। पहुंच गए भाई कसरावत और ये रोड जाएगा महेश्वर मंडलेश्वर और ये खरगोन रोड, और मार्केट लगा हुआ भाई यहाँ पे देख सकते हो कसरावत का मार्केट। एक अपना सब्सक्राइबर भाई था वो कमेंट कर रहा था कि विक्की भाई कसरावत आओ तो मिलके जाना, पर भाई को मैंने वापस कमेंट में रिप्लाई दिया पर भाई का वापसी रिप्लाई नहीं आया। तो फिर जा रहे हैं भाई यहाँ से निकल के, तो कसरावत वाले भाई मिस यू, चल रहे भाई आपका कमेंट नहीं आया वापसी, नहीं तो भाई आपको मिलते जरूर, या आप उधर से मोबाइल नंबर डालते आपका कमेंट में तो लगा लेते भाई हम। तो कोई बात नहीं भाई फिर मिलेंगे।
फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं खरगोन और ये पुराने ब्रिज से जा रहे हैं भाई अंदर सिटी की ओर। तो सिटी से थोड़ी बाहरी खाली होगी गाड़ी और इधर नदी है भाई, और वो जो नजर आ रहा वो वाला पुल है भाई खंडवा, इधर आगे निकल जाएगा बुरहानपुर, बुरहानपुर वही वाला है वो जो। तो फाइनली दोस्तों पहुंच गए दुकान पे और अपनी गाड़ी भी लगा दी भाई और अनलोड होना भी स्टार्ट हो चुकी है अपनी गाड़ी। तो काफी माल उतर चुका देख सकते हो आप, भाई लोग लगे हुए इधर माल उतारने में, बस इतना माल उतर चुका है भाई तो दो एक घंटे में खाली हो जाएगी शायद ऐसा लग रहा है। अपनी गाड़ी उतार रहे अंदर और माल लेने वाले व्यापारी भी काफी आ गए देख सकते हो, इधर उतरना चालू हो गया अपना माल। तो करवाते भाई खाली गाड़ी, फिर लेते अपना भाड़ा वाड़ा निकलेंगे और सारा कुछ बताएंगे क्या भाड़ा लगा था क्या रेट लगा सब कुछ आपको आगे देखने को मिलेगा वीडियो में। तो फाइनली गाइस अपनी गाड़ी खाली हो चुकी है, थोड़ी सी बची एक छल्ली करीब बची हुई भाई और माल अपना क्रॉसिंग हो रहा है ये वाली गाड़ी में, तो पड़ा है भाई थोड़ा सा माल देख सकते हो, एक छल्ली है अपनी गाड़ी में बची। तो भाई लोग कर रहे अपनी गाड़ी खाली देख सकते हो, तो भैया बोल रहे हैं भाड़ा ले लो पहले आपकी गाड़ी तो खाली हो ही जाएगी थोड़ी देर बाद, तो भाड़ा ले लेते भाई। ये रहा भाई भाड़ा सारा अपना पैसा ये पड़ा हुआ है और इधर बैठे सेठ लोग, ले जाई उठा ले सब अपने ही है। तो भाई भाड़ा कितना लगा क्या खर्चा बेटा सारा कुछ वीडियो जो है एक अलग से बनाऊंगा मैं आपके लिए, क्या खर्चा हुआ क्या बचत हुई सारा एक वीडियो बनाते अलग। फिलहाल मैं करवाते अपनी गाड़ी थोड़ी सी खाली, मतलब थोड़ी सी बची है तो करवा लेते खाली, उसके बाद मिलते आप लोग। तो फाइनली दोस्तों आ चुके हैं घर पे और लगा ली भाई गाड़ी अपनी, ये रही पीछे बैग में देख सकते हो। तो खरगोन से आ गए हैं, तो गाड़ी तो खरगोन से खाली लेके आए सेंधवा तक और क्या करे यार कुछ माल मिला नहीं तो लेके आए गाड़ी वहां से करीबन 80 किलोमीटर समथिंग चला है और सेंधवा, और सेंधवा से अपने घर तक 80-85 किलोमीटर हो चुकी है गाड़ी। तो आप पूछते हुए कि भाई भाड़ा बताया करो क्या भाड़ा लगा क्या बचत हुई, तो भाई एक अलग से वीडियो अलग से ब्लॉग बनाऊंगा मैं जो है कि इस ब्लॉग के बाद में आने वाला है, तो वो आएगा कल डालूंगा वो वाला ब्लॉग में बना के सारा, यहाँ से सेंधवा से श्रीनगर तक और श्रीनगर से वापस खरगोन और घर तक क्या खर्चा बैठा और क्या बचत हुई अपनी, सारा कुछ वही ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। तो करते इस ब्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं अगले ब्लॉग में भाई, तब तक के लिए भाई स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और मजे में रहिए, टाटा बाय बाय गुड नाइट।